श्योर करता है अंगूठा चटवाऊंगा लिए। हमने मुंह से देख लिया साले का क्या हाल करता हूँ। अरे आ जा यार श्रद्धा, अरे भाई वापस मैं किस लिए? क्या नाम है? इतने साल से रह रहा है इसमें, पहले किस में था? पहले साले मामे को भेजा है। किसने भेजा है? मेरे को भेजा है साले। तोड़ दूंगा साले राम का पट्टा। देख कितने मंत्र दूत घुसे हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसके हाथ पीछे करके मारो, साले के हाथ पीछे लगाओ, मारो इसको। करे करुणा शनिदेव महाराज, लगाए इसको अंदर, मार मारे साले के हाथ पीछे करके मारे। करो हाथ पीछे, पीछे लेके जाओ। अपना जोर लगा रहे हो। क्या प्रतिक्रिया चल रही है बताओ? आदमी प्रेत है, ताकतवर, कम से कम 45 साल पुराना है। इस बहन जी के इस बीच में कम से कम 20 या 25 साल से भी ज्यादा टाइम का रह रहा है। जगह जगह पूजा कराई है, कभी माता बन के पूज रहा है, कभी क्या कर रहा है क्या नहीं है। अब भी क्या शरीर के बीच में तो है पर पूरा तत्व इकट्ठा नहीं हुआ। जितने भी इसके लिए बॉडी में 3 मंत्र दूत है, बाकी बार 2 गए। इसके सारे अंश इकट्ठे होंगे, सब कुछ होगा, एक नया साथ बीत, कम से कम अपने साथ 20 प्रेत लेके चलता है, अकेला नहीं है। घर के जितने प्रेत लेके चलता है, जितने भी घर के पितर हैं, जितने भी मरे गिरे हैं, सब इसके साथ हैं। घर के सारे पितरों को बांध रहा है अकेला ही, ठीक है? सारे मरे गिरे सब इकट्ठे कर रखे सारे पितर। वो महिला आई थी ना, कहते मेरे बच्चों को बचाओ, बच्चों को बचाओ, वो घर के पितर है। उनमें देखो कितने तत्व हैं। उस बेलजी में 3 मंत्र दूत है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 2 है। दो है, इसमें एक है, उसमें 3 मंत्र दूत है, और इसमें इसमें भी 3 है। ये सारे हाजिरी ले रहे हैं अपनी अपनी लैंग्वेज से अलग अलग। आके जितने भी थे इसके साथ सारे हाजिरी ले रहे हैं, सारी हाजिरी ले रहे हैं, सबकी हाजिरी चल रही है। हाथ कौन पकड़ के बैठा है इसके पीछे? भैया 2 दूत है शनिदेव महाराज जी के, शनिदेव महाराज के 2 दूत हाथ पकड़ के पीछे बैठे हैं। मुखिया को लेके आओ, मुखिया को, मुखिया का उल्टा कराओ। जब कितने सालों से भटक रहे हो बहन जी, बता कितने साल से भटक रही है? 12 साल से कहीं जा रही थी, इसका कोई इलाज नहीं हुआ, इसको माता बता के छोड़ दिया गया, ठीक है? क्या छोड़ दिया गया? माता बता के। और जब तुम लोग इसको पूछ रहे हो, इसके तत्व इकट्ठे कर दिए तुमने दुनिया भर के, इसको ताकतवर बना दिया, आ गया समझ में? आज इसका सारा खाया पिया निकाल लूंगा, आज ही आंखें फोड़ दूंगा, आज ही साले की जीभ तोड़ दूंगा।
दारू मैं पिलाता हूँ साले तुझे। पीऊंगा पी के दिखा दे तू हाथ मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तू पानी पी के दिखा दे मान जाऊंगा तुझे। ला दारू की तो बात अलग है। दारू की बात अलग है। बोतल पीता हूँ मैं। आज आज ही खत्म कर दूंगा तेरा बोतल पीने का स्वाद। तुझे तो बड़ी खुशी मिली होनी जगह जगह माता बन के पूछ के। अच्छा माता बन के पूछ के भी साला बोतल मांगता बोतल पीता है। तुझे पता नहीं फंसा किधर है तू आके। आज तेरा नाश हो गया तो तू आता नहीं। आज आ गया तो तू आज गया खत्म। पृथ्वी से भेद मिटा दूंगा तेरा आज ही। आ गया समझ में। कोई नहीं मिटाएगा। मैं जाऊंगा ही नहीं। इसको ले जाऊंगा। ले जाऊं इसको। हाँ ले जा। लेके जा अभी। ले जाऊंगा। मार दूंगा इसको। दूसरे हाथ से मैं करता हूँ। मार दूंगा। ये मैंने कह रखी है। दूसरे हाथ से इसको मार ले जाऊंगा उड़ा के। मार मार साले इसी से क्या मार दूंगा। ज्यादा प्रेशर डाला तो। अरे तो मैं किस लिए बैठा हूँ बहन जी। या तो तुम इलाज कर लो। मैं हाथ सुन करती है। बला भी आएगी। दे आएगी कहाँ से। सारे पकड़ लेंगे अभी देवी देवता। अकेला तू ही रहेगा मेरे पास पिटने के लिए। थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा तुझे। तेरा भेद मिट गया साले। आज तू गलत हाथों में फंस गया। आज हम तो ये दिखा रहे हैं आपको कि प्रेत कहता है मैं मार दूंगा। और जब उसकी गर्दन पकड़ लोगे ना आप जब वो आया रहेगा एकदम नीचे सरक जाएगा। आगे समझ में। और कुछ नहीं दिखा मार नहीं पाया। अब क्या मार देगा। तुम यहाँ समझो इतने साल से नहीं मार पाया। 45 साल हो गए उसको। आज तक तो तुम्हारी तेरी दादी भी नहीं गई है नानी। फिर जिसमें 20 साल रहा है 25 साल तेरी मम्मी में हो गए इसको। मैं जा रहा हूँ। कम से कम भैया दो क्रिया कर रखी है हिंदू से भी मुस्लिम से। 45 साल पुरानी है। ग्रंथ आई है। कम से कम 15 प्रेत पकड़े गए हैं। 5 इसके पीछे खड़े हैं। 1 ये अकेला है। 5 इसके पीछे खड़े हैं। 15 प्रेत पकड़ लिए। 5 में से 3 है ये एक शरीर के पीछे पे खेल रहा है। 2 आदमी है ते 2 ही औरत है। 2 आदमी है 2 औरत है। एक चुड़ैल है एक कालिकांश है। एक कालिकांश है एक चुड़ैल है औरत। गई तेरी माता वाता सारी। अगले 5 मिनट में ये भी सारे निमट जाएंगे और ये कटना चालू हो जाएगा। नहीं ऐसे काम करते हमारी विधि है। मैं जा रहा हूँ। अरे जा कहाँ से रे। भेज रहे हम तुझे। अपनी मर्जी से तो पहले नहीं गया। मैं जा रहा हूँ। मैं मार बहुत देवताओं को बोल के। मैं जा रहा हूँ। अच्छा जा 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 जा। अरे देवता किस लिए। जा जा के दिखा। बाहर पैर निकाल के दिखा। वो जुड़ गया गधा। उसको पकड़ रहा है भाग के। जब ये दरबार में एंट्री हुई थी ना इनके प्रेतों के सारों के बंधन लग गए थे साथ ही साथ। इनकी औकात है क्या चले जाएंगे दरबार से बाहर। जाना जाके दिखा दे बाहर। अब बोल मैं आ रहा हूँ। बोल मैं आ रहा हूँ। शोर बहुत मचा लिया। ये कॉलोनी ऐसी नहीं है शोर मचाने की। आ जा बेटा। जा नहीं सकते।
आराम से नीचे बैठ। देख लिया उसके हाथ पीछे लगाने वाले देखता थे, दो दूत उसके लिए पहले तैयार खड़े हैं, चाहे उसकी खाल उतार दे लेकिन हम धीरे धीरे काटते हैं, मंत्र से काटते हैं। हमारी विधि दुनिया की सबसे बेस्ट विधि है। हाँ दो, जो सबको मैसेज देना चाहते हैं वो दो। सबसे पहले तो सबको जय शनिदेव बोल रहा हूँ। अगर कोई भी धार्मिक काम कर रहा है भाई, अगर कोई भी भगत है जैसा मर्जी, कोई भी तांत्रिक विद्या सीख के अच्छा धर्म का काम कर रहा है किसी को भूत प्रेत हटाने के लिए, कृपा करके अगर किसी भी बहन में कोई भी अगर भूत है तो उसे बताओ कभी भी किसी को देवी का रूप लेके ना पजवाएं। क्यों? क्यों? उसको काफ़ी टाइम तक शरीर के बीच में बैठ के प्रेत पूजा लेते हैं और काफ़ी टाइम तक रम जाते हैं। वो बहनें आने वाले टाइम में उसी को सिद्धि मान मान के खेलती हैं और प्रेत योनि में चली जाती हैं। मेरी हाथ जोड़ के सबको यही प्रार्थना है, अगर किसी में सिद्धि है तो बताओ, अगर नहीं काम करना आता तो मत करो, छोड़ दो। क्योंकि अब इसने जितने साल दुख पाया ये एक ही धाम में 12 साल से जा रही है लगातार और इसी प्रेत को पूछ रही है। यहाँ तक कि इस प्रेत ने इसकी क्या कहते हैं दुर्दान दशा कर दी है, यानी कि ये साला दारू पीता है और इसके मुख में भी इसने उसका कई बार ढक्कन डाल दिया है, यही कह देता हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं और आने के बाद उसको अपना होश रहेगा नहीं, तो उसको अपनी कोई संज्ञान नहीं रहेगा, अपने बारे में जान नहीं पाएगी क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं, बाद में शरीर ही टूटेगा और बीमार ही रहेगी और हजारों बीमारियां ये लगा देते हैं जैसे इसको हुई, ठीक है ना। और ये अपने अंशों सहित सारे परिवार में गिर गया, लड़की में भी बेटी में भी बहनों में भी, तो इसको जो है जड़ से ही आज हमने ख़त्म करना है, तो आज इसको जड़ से ही ख़त्म करेंगे ताकि इस बहन का इसके परिवार का पूरे के पूरे का उद्धार हो जाए। बोलो जय शनिदेव। काम कर रहे हैं पैरों में, पैरों से काफ़ी तक उठ के दो मंत्र दूत अभी पैरों के बीच में लगे हैं तो एक कंधे पे है, क्योंकि वो औरत है ना जो उनसे बीच में बोलते हैं उसका तत्व काफ़ी हैवी है, इसके भारीपन हमेशा रहता है शोल्डर के पास, कंधे में वजन, कंधे में सर में। इसके साथ साथ पता है आप कितने जने फैमिली में से ठीक होगे? कम से कम 8 जने ठीक हो जाओगे, इसके साथ साथ 8 जने ही बीमार हैं। तीन तत्व हैं तेरे अंदर इसके, आप किसी को महसूस हो सकता है किसी को नहीं, अभी नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। पहले तो मम्मी को भी नहीं थी आपकी को, बाद में उसको होगी, धीरे धीरे रम जाता है, आगे ना। ये तीन तत्व कब से आए हैं आगे ना, आपको हाजिरी आती है कि नहीं आती है हाजिरी? जैसे इनको आई है पहले आपको ही तो शुरुआत आपको ही तो हुई थी तो अंगूठा चाट माता बनता है तो मैं तो जा रहा हूँ। माता बनता कैसे बनता था? माता बन के अपनी अवस्था में अब प्रेत कैसे आता है? आता कैसे था? ऐसे हाथ लगा के मैं सब शोर मत मचाइए, मारूंगा बहुत ना। ऐसे माता बन के हाथ लगा, फिर आगे बताने लग जाता था, बता मेरे बारे में मैं कौन हूँ, बता, देख क्या मैं तुझे तेरा काल लग रहा हूँ? तेरे को सब